ठीक है, या स्टेटमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट या फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया है। तो फॉर्म वन ये है कि अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो इट गिव्स न्यू लाइन, ठीक है। तो हमें क्या देती है, एक न्यू लाइन देती है, ठीक है ना। अगर हम विदाउट आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, ठीक है, तो इट गिव्स न्यू लाइन, ये एक न्यू लाइन हमें देती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल आपको शो करूं तो कुछ इस तरीके से है। वैसे मैंने कल बता दिया था, प्रिंट प्रिंट हेलो हेलो, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग हेयर प्रिंट, एंड आई एम यूजिंग हेयर प्रिंट प्रिंट बाय, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें न्यू लाइन देगा। प्रिंट स्टेटमेंट हमें क्या देगा, एक से ज़्यादा भी मैं इसे लगा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमें क्या देगा, न्यू लाइन दे देगा, एक से ज़्यादा मैंने लगा दी। तो मैं अगर इसको रन करूँ F5 करके, तो आप देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइंस प्रिंट होंगी। आउटपुट में देखिए कि बहुत सारा गैप यहाँ पर प्रिंट होगा। आइडियल सब प्रोसेस डज नॉट मेक कनेक्शन, सी द स्टार्ट ऑफ फेलियर सेक्शन एंड आइडियली डॉग्स ऑनलाइन एट द दिस 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 एंड दिस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। एक बार और करते हैं इसको रन। इस एप्लीकेशन में जाते हैं, डाउनलोड्स को हटा देते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक बार और इसको रन कर लेते हैं। लर्न लर्न को जाएंगे हम, रन आइडियली विद आइडियली, इसको हमने ओपन कर लिया। F5 में करता हूँ इसको दोबारा से, एंड यस दिस इज रन। हाँ, तो आप देख रहे हैं हेलो और बाय के स्पेस में बहुत सारा स्पेस है। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो हमें क्या देता है, न्यू लाइन देता है, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरी फॉर्म इसकी थी फॉर्म टू, है ना। दूसरी फॉर्म क्या थी, फॉर्म टू, ठीक है। इस फॉर्म में क्या था, वी कैन प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग हम प्रिंट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए क्या क्या होगा हमारे पास, लेट सपोज सम एग्जांपल, कि आई वांट टू प्रिंट हेलो प्लस हेलो प्लस वाई, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैंने F5 किया और आप देखिए कि हमें आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, समझ में आया ना। तो दिस इज द आउटपुट। अगर हम वहाँ पर प्लस साइन से कॉन्केटिनेशन करते हैं तो वो हमें कुछ आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग था इसमें, इसी में एग्जांपल, इफ़ वी यूज प्रिंट पाइथन 3 × 10, सो वी कैन यूज रिपीटेशन ऑपरेटर, है ना। सो आउटपुट विल बी लाइक पाइथन 3, है ना, पाइथन 3 एंड आई
आई शो यू द रिजल्ट, ठीक है, पाइथन 3 into 10. इफ आई डू दिस, सो यू कैन सी पाइथन एट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? सो और आइदर आई एम राइटिंग पाइथन 3, ठीक है, 5 times ओनली, सो दिस विल बी द आउटपुट, समथिंग लाइक दिस. जस्ट वेट, द आउटपुट मस्ट बी देयर, ठीक है. सो दिस विल बी द आउटपुट, 5 times द पाइथन विल बी प्रिंटेड हियर, ओके. सो दिस शुड बी द आउटपुट. Next we have, so that is what repetition operator है ना, repetition, repetition operator, repetition operator, ठीक है. Next we have a small concept that I am using print by Arun, comma तो जो आउटपुट जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, अरुण स्पेस गुप्ता, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा कॉमा ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर है ना, ये क्या करता है, ये हमें, ठीक है, इट गिव्स स्पेस. ये क्या करता है हमें, इट गिव्स स्पेस हमें प्रोवाइड कराता है ना, इट प्रोवाइड ए गिव्स स्पेस, राइट. एंड अनदर हमारी जो फॉर्म नंबर 3 थी वो कुछ इस तरीके से थी, फॉर्म थ्री, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट की, ठीक है, प्रिंट फंक्शन विद वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ARGUMENTS, वेरिएबल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट. तो अगर हम इन शॉर्ट दैट वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट, दिस कंप्लीट वर्ड वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दिस कंप्लीट वर्ड कॉल्ड वेर, VAR आर, वेर आर्ग्स, ARG, वेर आर्ग, ठीक है, वेर आर्ग इन शॉर्ट, ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट. तो इसमें हमने क्या करना था कि इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट सम वेरिएबल, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट थे. कौन कौन से एट्रीब्यूट थे? एक तो था सेपरेटर, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेस, जस्ट लाइक आई एम प्रिंटिंग 10, 20, 30, तो आउटपुट विल बी 10, 20, 30, ठीक है, एंड सॉरी स्पेस 30. एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ आई पास दिस सेपरेटर इक्वल टू, आई पास प्लस हेयर, तो आउटपुट विल बी 10 + 20 + 30, सो वी कैन चेंज द सेपरेटर, ओके. नेक्स्ट वी हैव एंड. तो ये एंड जो एक ऑपरेटर है इसका काम क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू इज न्यू लाइन, या फिर मैं कह सकता हूँ \n, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है. डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, \n, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रिंट पाइथन, ठीक है, फिर अगेन आई एम प्रिंट 3, तो आउटपुट विल बी लाइक वॉट, ठीक है, द आउटपुट विल बी
द आउटपुट विल बी लाइक पाइथन 3, ठीक है. इफ आई वॉन्ट इन द सेम लाइन बाई डिफरेंट बट आई वॉन्ट इन द सेम लाइन, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे कॉमा एंड 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 इक्वल टू आई प्रोवाइड सम स्पेस टी, सो द आउटपुट विल बी पाइथन टैब 3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो दीज आर द सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज एक्चुअली आई डिस्कस वेन एवर यू नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन, दिस ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड, राइट. सो यू कैन टेक इट एज ए स्क्रीन शॉट, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है. और ये आपका कंटेंट आपका यहाँ तक है, यहाँ तक है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर मैं ये पूरा आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. सो यू कैन गेट ए क्लियर क्लैरिटी अबाउट इट, ओके. ये आपके चैट बॉक्स में इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट, सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ योर चैट बॉक्स ऑल्सो. ठीक है, ओके. ये मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है पूरा, आप अपने चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, ओके ओके. ओके ओके, दैट्स डन. तो दिस इज द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. हाँ, इसको आप प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट थिंग इज दिस. वॉट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, है ना. आप बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है? तो ये होता है यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन. नाउ फ्यू स्टूडेंट्स हैविंग ए क्वेश्चन, सर व्हाट इज कमांड लाइन हियर, व्हाट डू यू मीन बाय द कमांड लाइन. तो बच्चों आपको याद हो तो हम किसी भी प्रोग्राम को दो तरीके से चला पा रहे थे, है ना. पहला, ठीक है, टू वेज टू रन पाइथन कोड. पहला कंसेप्ट था इसमें कि बाई हेल्प ऑफ पाइथन आई डी एल ई, है ना, एंड Python IDLE का यूज़ करके. दूसरा कंसेप्ट होता था बाई कमांड प्रॉम्प्ट. पहला तो आपको पता ही है कि सपोज हमारे पास IDLE में हमने कोई कोड लिखा है, सेव करो, F5 कर दो, आपका कोड रन हो जाएगा, है ना, Python सेल के थ्रू, समझ रहे हो ना. तो इसके थ्रू आपका Python का कोड रन हो जाएगा, जैसे भी कोड रन हो जाएगा हमारा यहाँ पर. तो वेट, समथिंग रॉन्ग, या ये दिस कोड इज रन, राइट, कोड रन हो चुका है हमारा. तो एक तरीका तो यही था, है ना, पाइथन सेल के थ्रू या पाइथन आईडीएलई में बोल सकता हूँ, या फिर शॉर्ट में लिखता शेल, SHELL, ठीक है. दूसरा तरीका होता था भाई कमांड प्रॉम्प्ट, कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम अपने प्रोग्राम को रन करा पाते थे बहुत ही आसान तरीके से. वो कैसे होता था, तो आपको किसी को याद है कि कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से अपने प्रोग्राम को रन करा पाते थे? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो कि हाउ कैन वी रन आर कोड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट ओनली, इज इट, यस, एनीवन हैविंग ए आइडिया अबाउट इट, हाउ वी रन आर कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट? रिमेंबर, नॉट रिमेंबर? चलिए मैं बता देता हूँ कैसे रन करना होता था. तो देखिए बहुत ही आसान था इसको करने के लिए, कि हमें क्या करना होता था, पहले हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होता था, ठीक है. कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको पता था विंडो प्लस आर
है ना, एंड सी एम डी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है, राइट। लेट सी, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। आई थिंक विजिबल तो सबके लिए होगा। मैं इसकी प्रॉपर्टीज से जाके थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी। मैं इसका फॉन्ट कर देता हूँ 24, आई थिंक बेटर टू ऑल। ओके ओके, साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इसका, चलिए कोई बात नहीं, नो मैटर एट ऑल। साइज को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है, चलो कोई नहीं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर हम थे, हमें जाना होता था कि हमारा फोल्डर कहाँ पर है ना। तो देखो हमारा फोल्डर कहाँ पर है बच्चों, हमारा फोल्डर है, जो मेरा फोल्डर है वो है मेरा डेस्कटॉप पर, ठीक है। और डेस्कटॉप के बाद यहाँ पर मेरी फाइल पड़ी है लर्न, है ना। डेस्कटॉप के बाद यहाँ पर मेरी फाइल पड़ी हुई है लर्न नाम की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे इसको पहुँचना है यहाँ तक। तो हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला और मैंने यहाँ पे लिखा सी डी डेस्कटॉप फर्स्ट एंड सी डी 12th, और ये आ गया हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखते थे हम पी वाई लर्न डॉट पी वाई, ठीक है। सो पी वाई इज़ नॉट ओके, पी वाई अगर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर पाइथन पूरा लिख दो, पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन लर्न लर्न डॉट पी वाई, ठीक है। तो ऐसे भी हम अपने प्रोग्राम को रन करा पाते थे। देखिए मेरा ये कोड था, चलिए मैं इस कोड में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रिंट प्रिंट पाइथन रन रन प्रोग्राम रन पाइथन 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 कोड बाय कमांड कमांड प्रॉम्प्ट बाय कमांड प्रॉम्प्ट। अरे यार सॉरी, पी आर ओ एम टी प्रॉम्प्ट, ठीक है। रनिंग रनिंग पाइथन कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। सेव कर दिया और देखिए यहाँ पर जाएंगे हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को। ओके माय मिस्टेक, एक तरफ मैंने सिंगल लगा दिया, एक तरफ डबल, यस माय मिस्टेक। ओके सो रनिंग पाइथन कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट, सो हेयर यू कैन सी ऑल योर आउटपुट, राइट। सो दिस इज बेसिकली द वे वी रन आर कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्सो। तो अभी ये जो है यहाँ पर जो बच्चों आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पर जो आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस एरिया है ना, दिस एरिया कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, क्या कहलाया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट, पी आर ओ एम टी कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी इनपुट दे सकते हैं। एक तो इनपुट देने का तरीका होता था इनपुट फंक्शन, राइट। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी इनपुट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। कि वी कैन गिव द इनपुट बाय द कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्सो। फ्रॉम टूडेज फॉरवर्ड ऑनवर्ड हम लोग बच्चों अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करना सीखेंगे। तो थोड़ा आप इसके से साथ भी हैबिचुअल हो जाओगे। वैसे आपको ये आता होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसी पे काम करना सिखाया था, और फिर मैंने आपको बाद में 11th के लास्ट में आपको मैंने आइडियली का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि वो बहुत आसान है और उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो मैं इतने दिन से आइडियली यूज़ कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं ताकि आप थोड़ा सा हैवी चोल हो जाओ इनके। तो दिस इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट, हाउ कैन यू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट, ये मैंने एक छोटा सा आपको बताया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ कम्प्लीट फ्रॉम माई साइड टूडे।